इसके पहले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं पूरा लेसन और उसको पूरा पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इस लेसन पर आधारित, जैसे जो हमारा रोज का फर्स्ट लेसन है एगल के बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया, तो हम लोग ये देखेंगे कि अब इस लेसन से कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। क्योंकि पेपर में पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन रेफरिंग टू द कॉन्टेस्ट ही आता है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। और आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे कि पहला क्वेश्चन ऐसे ही आता था, तो कहां से कहां तक आया है, फिर उसके बाद लेसन और लेखक और लेसन का नाम, फिर कॉन्टेस्ट यानी उसके विषय क्या लिखा गया, फिर एक्सप्लेनेशन किया जाता। तो अब हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा जाए। तो जैसे मान लीजिए आपको ये लाइन मिल गई, आप देखिएगा अपने बुक में किस तरीके से कि आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, यानी मुझे कम से कम तीन लोगों से बात करना पड़ता था तब मुझे कोई एक मिलता था जो इंग्लिश बोल सके। उसके बाद लेखक उससे जो है तमाम टॉपिक्स पर बातचीत करता था, जो कि हमने आपको पढ़ाते समय पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो वहां से लेकर के आई वुड आस्क से लेकर के आपका ये जो है एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स तक है, ये आपका पैराग्राफ सेकंड में है। तो अब आपको मान लीजिए ये पूरी लाइन आ गई, ये पैराग्राफ आ गया और इन लाइनों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप इन लाइनों को बुक से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप देखोगे कि ये लाइन कहाँ से आई है, इसका लेखक कौन है। तो जिस समय आप ये अर्थ लगाओगे कि मुझे कम से कम तीन लोगों से बात करना पड़ता था तब मुझे जाकर के कोई एक इंग्लिश बोलने वाला मिलता था, हम लोग इस पर आप इसे एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स और न्यूज पेपर और तमाम टॉपिक पर बातचीत करते थे, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये तो वही बात है जिसमें विलियम सी डगलस लोगों से बात करके भारत की मूल भावना या मेन इसके थीम क्या है वो जानने का प्रयास कर रहा था, लोगों के अंदर के विचार जानने का प्रयास कर रहा था। तो तुरंत आप सबसे पहला काम करोगे आंसर नंबर छोड़ोगे, उसके बाद सीधे हेडिंग छोड़ोगे, पहले किस पैराग्राफ को तुम एक्सप्लेन करो वो कहां से कहां तक है। जैसे आई वुड आस्क से आप डैश डैश करोगे कहां तक, एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स तक, यहां तक आपका हो गया। अब उसके बाद सबसे पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी रेफरेंस, क्या पड़ेगी रेफरेंस। रेफरेंस कैसे लिखोगे, आप फर्स्ट ईयर में भी रेफरेंस लिखे हो, तुरंत लिखोगे दीज लाइन्स, क्या लिखा जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब जब लेसन लिखोगे उसके बाद एक सिंगल कामा ऊपर लगाओगे और लेसन का नाम लिखोगे, ए गर्ल विथ ए बास्केट, कामा बंद करोगे, जिसमें ए गर्ल, ये तो प्रारंभिक सब कैपिटल लेटर, विथ ए, तो विथ में डब्ल्यू और ए इधर जो है स्मॉल लेटर करके फिर बास्केट को कैपिटल लेटर करोगे, तो ए गर्ल विथ ए बास्केट, कामा बंद कर दोगे, रिटन बाई विलियम सी डगलस, कभी भी लेखक का नाम या उसके नाम का कोई हिस्सा स्मॉल लेटर नहीं रहेगा, सभी स्टार्टिंग हिस्से जो है या जो नाम का पहला हिस्सा जो भी पार्ट है वो कैपिटल लेटर ही रहेगा। तो विलियम में डब्ल्यू, सी तो ऑलरेडी कैपिटल है और डगलस में डी आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो कैसे रेफरेंस लिखोगे, क्योंकि एक दो रेफरेंस आप समझ जाओगे तो उसका मेथड आपको मालूम हो जाएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाई विलियम सी डगलस। अब इतना लिखने के बाद हम लोग देखेंगे इसका कॉन्टेस्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट के लिए, कॉन्टेस्ट होता है क्या, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है किसी भी टॉपिक का प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग में वो लिखा जाता है कि जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप से लिख दिया जाए, संक्षिप्त रूप से उसकी भूमिका बता दी जाए। तो इसमें विलियम सी डगलस के विषय में बताया जाएगा और उनको बात करने में क्या समस्या आती थी, कैसे उस व्यक्ति को तलाशते थे जो इंग्लिश बोल सके, तो इसके विषय में पहले हम लोग लिखेंगे और देखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, विलियम सी डगलस, कौन विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज, विजिटेड इंडिया इन 1950।
1950 में भारत आए। ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन ऑन हिज वे टू रानीखेत। ही गॉट डाउन एट ईच स्टेशन, हर स्टेशन पर उतर जाते थे। इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब द वे इन विच ही टॉक टू द पीपुल टू नो देयर रियल कंडीशन, अर्थात इन लाइनों में बताया जा रहा है कि लेखक कैसे बात करता था, बात करने का क्या तरीका था, उतरने के बाद कैसे वो बात करता था जिससे कि वो भारत के लोगों की वास्तविक दशा समझ सके, उनकी वास्तविक कंडीशन समझ सके। तो बात करने में क्या समस्या थी, कैसे बात करता था, इसके विषय में आपने कॉन्टेस्ट में देखा। अब हम लोग इसी के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसका व्याख्या कैसे हो। तो व्याख्या के लिए उस भाव को थोड़ा और विस्तृत करके लिखना पड़ता है, यानी जो लाइन की मूल विचार होते हैं उसको भी उसमें शामिल करना रहता है जिससे पूरी बात स्पष्ट हो जाए। अब जैसे कैसे लिखा गया एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। द राइटर फाउंड दैट वन आउट ऑफ थ्री इंडियंस कुड स्पीक इंग्लिश, यानी तीन लोगों के बाद ही कोई एक मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। ही टॉक टू द पीपुल हु कुड स्पीक इंग्लिश, वह ही टॉक टू द पीपुल हु कुड स्पीक इंग्लिश, वह उन लोगों से बात करता था जो इंग्लिश बोल सकते थे, क्योंकि वो लेखक की मजबूरी थी, वह हिंदी जानता नहीं था, उसे इंग्लिश वाले की आवश्यकता पड़ती थी। ही टॉक टू द पीपुल ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी जो विश्व राजनीति होता था, विश्व की जो राजनीतिक स्तर है उस पर बात करता था, स्थितियों पर बात करता था। ऑन द एवरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, और उस दिन की जो महत्वपूर्ण टॉपिक होती थी, महत्वपूर्ण बिंदु होते थे, उस पर वो बात करता था। इन दिस वे, और इस प्रकार ही वॉन्टेड टू चेक द रियल फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपुल, इस प्रकार वह लोगों की भावना उनके विचार जानने का प्रयास करता था। विथ ऑफिशियल व्यूज, और आधिकारिक जो विचारधारा होते थे उसे जानने का प्रयास कर रहा था। एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट, और गवर्नमेंट के क्या रिपोर्ट थे, गवर्नमेंट के क्या क्रियाकलाप विचार और गवर्नमेंट की कैसी भूमिका रहती, इस पर बात करता था। एज ए डॉक्टर फील द पल्स ऑफ द पेशेंट, जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के नब्ज को टटोल करके उसके रोग का पता करता है, उसके आंतरिक समस्या को देखता है, कष्ट को देखता है, ठीक ऐसे ही विलियम सी डगलस मानो बात करके, बात के माध्यम से वो नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था कि इनके अंदर कोई समस्या तो नहीं है या इनके अंदर क्या विचार, वो जानने का प्रयास कर रहा था। द राइटर टॉक टू द पीपुल टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कंट्री, इस देश की जो मूल स्थिति है, मूल कंडीशन, उसे लेखक जानने का प्रयास कर रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि लेखक किसी तरीके से दो तीन लोगों से बात करके तब जा करके इंग्लिश वाले को तलाशता था, उस विषय में वो तमाम मेजर टॉपिक्स और जो है न्यूज और जो भी ऑफिशियल एटीट्यूड उस पर बात करता था। तो इस पैराग्राफ में इस तरीके से हम लोग इसे देखे कैसे इसमें से लिखा। पुनः स्टूडेंट आपके बुक में एक्सप्लेनेशन के लिए एक अगला पैराग्राफ आता है। एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल से लेकर के ये आपका दिया गया है। अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, यानी ये वो है कि जिस समय लेखक एक स्टेशन पर लोगों से बात करने के लिए जब उतरा तो उसका वो बात करने का सिलसिला बाधित हो गया, क्योंकि टोकरी और पंखे बेचने वालों का एक बच्चों का एक समूह उसे घेर लिया, और इस प्रकार जो है वो इधर उधर हिल भी नहीं सकता था। वो ये तो नहीं जानता था कि वो सीधे कह क्या रहे हैं, उनकी आवाज तो नहीं समझ रहा था, लेकिन बेचने वालों की भावना को समझ रहा था। तो इसमें लेखक इसी का वर्णन किया है। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे एज वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला रुक गया, रुकावट आ गई, तुरंत हम समझ जाएंगे कि रुकावट से वही आया था जिसमें विलियम सी डगलस लोगों से बात करता था, अर्थात लेसन का पता चल जाएगा। जैसे पता चलेगा तुरंत कहां से कहां तक है, जैसे आप इंटर यानी फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, तो वैसे आप उसे वहां से वहां तक डैश कर दीजिएगा, कि यानी एट वन स्टेशन से डैश करिएगा देयर डिजायर तक। उसके बाद पुनः वही चीजें
रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन कामा लगाइएगा एकल भास्कर कामा बन रिटन बाय विलियम टी डगलस। ये हो गया। फिर उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। कॉन्टेक्स्ट में इस लेसन का जो इस भाव ये लाइनों का जो मेन भाव है मेन प्रसंग है वो देखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा कॉन्टेक्स्ट? द ऑथर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, लेखक एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। एट एवरी रेलवे स्टेशन ही स्टेप डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वॉक देयर, प्रत्येक स्टेशन पर वह उतर जाता था, जब भी ट्रेन रुकती थी वो उतरता था और लोगों से बात करता था। अभी तक हम लोगों ने देखा एट वन स्टेशन ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, एक स्टेशन पर जो शरणार्थी बच्चों का एक समूह था गैदर्ड अराउंड हिम, उसे चारों ओर से घेर लिया। द चिल्ड्रन वेयर वेरी पुअर, बच्चे बहुत गरीब थे एंड वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट्स एंड फैंस, और अपने पंखे और टोकरियों को क्या करना चाहते थे, बेचना चाहते थे। इस प्रकार एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे द ऑथर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर प्रत्येक स्टेशन पर लेखक उतर जाता था। वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर टहलता था एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात करता था इस प्रकार यहाँ जो है बट एट वन स्टेशन द ऑथर कुड नॉट डू सो, लेकिन एक स्टेशन पर लेखक ऐसा न कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्या कारण था? As soon as he got down at a station, जब ही उस स्टेशन पर उतरा a group of small refugee children surrounded him, छोटे छोटे बच्चों का शरणार्थी बच्चों का एक समूह उसे घेर लिया चारों तरफ से घेर लिया। All of them held hand woven baskets, सब हाथ की बनी हुई टोकरी बेच रहे थे। इन देयर हैंड, अपने हाथ में लिए हुए थे, साधारण पैटर्न की टोकरी थी। द बास्केट्स वेयर मेड ऑफ रीड्स, सरखंडे यानी नरकट और बांस की जो पतली पतली मतलब पट्टियां होती उस तरीके से बनी हुई थी, नरकट और बांस की बनी हुई थी, साधारण थी। दे वेयर मेड इन सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन की थी। द ऑथर ऑल दोज चिल्ड्रेन रेस्ट देयर बास्केट्स हाई, सभी बच्चे अपने अपने टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे टू द ऑथर के सामने यानी लेखक की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। एंड शाउटेड वर्ड्स इन हिंदी, और हिंदी में जोर जोर से अपनी बात कह रहे थे, बहुत तेजी से कह रहे थे। द ऑथर फेल्ड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स बिकॉज ही डिड नॉट नो हिंदी, लेखक इन शब्दों को समझने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता था। बट ही कुड अंडरस्टैंड द डिजायर्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन वो बच्चों की भावनाओं को समझता था। वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके समझता था। दैट दे ऑल वॉन्टेड हिम टू परचेज देयर बास्केट, वो जानता था कि सबके सब अपनी टोकरी बेचना चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि हम अर्थात लेखक उस टोकरी को खरीद ले, सब उसके पास आ रहे थे। उसके जैसा खरीदार उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, उन्हें लगा कि ये सबसे बेस्ट जो है परचेजर है, ये आसानी से खरीद लेगा, इसी के सामने हमें अपनी बात रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये चीज हम लोग देखें, आपके बुक में पीछे एक्सप्लेनेशन में जहाँ दिया गया कुछ क्वेश्चन यानी कहाँ से कहाँ तक क्लियर करना है तो हम लोग उसी में से देख रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग एक और इस पैराग्राफ देखेंगे। कुछ पैराग्राफ हम आपको बता देंगे, कुछ पैराग्राफ आप स्वतः कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़े हो, लेकिन फिर भी लेसन बदल गया है तो स्वभाव के अनुसार आपको चेंज करना है, कुछ हमें बताना आपको। तो अगले पैराग्राफ को देखिए कहां से कहां तक। दे वेयर पुअर पीपुल से लेकर के है एंड डाइट वेयर दे फेल, ये उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे थे, बड़े गरीब थे, लंबी यात्रा थी, भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। तो बहुत से लोग का सामान जब खत्म हो गया रास्ते में, समाप्त हो गया, नहीं भोजन उनके पास रह गया, पानी समाप्त हो गया, सब कुछ, तो तमाम लोग उसमें से भूख प्यास से व्याकुल होकर के सड़क के किनारे गिर गए और तमाम लोग उनमें से जो गिरे वहीं मर गए। तो इसके विषय में रेफरेंस सप्ताह एक है, वही चीजें हैं, उसको बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक लेसन का रेफरेंस एक है। कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द पिटेबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी, लेखक पिटेबल कंडीशन माने दयनीय दशा, दुखद दशा, दीनहीन दयनीय दशा।
द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द पिटेबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी, लेखक उन शरणार्थियों की दयनीय दशा का वर्णन कर रहा है हु हैड लेफ्ट देयर होम्स एंड हैड टू कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947, जिसको जिन लोगों को 1947 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा, ऐसे लोगों की दयनीय दशा का वर्णन लेखक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी वीडियो हम लोग इसको देख लेते हैं इस लेसन के रूप में। When the refugees left their homes in Pakistan, जब वो शरणार्थी पाकिस्तान में अपना घर छोड़े वहां से चले, they became very poor, वे बहुत गरीब हो गए। Their long journey to India made them highly poor, भारत तक की जो लंबी यात्रा थी उनकी, यानी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया जो उनकी लंबी जर्नी थी, उन्हें और भी गरीब कर दिया। Because they had no spend money on their food etc, क्योंकि उनके पास अपने भोजन पर खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए कोई भी पैसे या कुछ भोजन बचा नहीं था। They had left all their property in Pakistan, फिर से इसको देख लिया जाए एक बार। They had left all their property in Pakistan, उनका जो धन दौलत था, जो कुछ अचल संपत्ति थी, उनका पाकिस्तान में ही छूट गया था। जैसे किसी पास कोई खेत हो, घर हो, तो उसे तो ला नहीं सकता था, इसलिए जो अचल संपत्ति थी वो छूट गया था वहां। द ओनली प्रॉपर्टी दे कुड कैरी विथ देम, वही चीज वही वस्तु अपने साथ ला सकते थे, वाज सम फूड, कुछ भोजन, एंड सम वेरी एसेंशियल आर्टिकल्स, और जो अति आवश्यक वस्तुएं थी वही वो क्यों ला सकते थे। द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, उनका भोजन बहुत दिनों तक नहीं चला। हंगर मेड देम वेरी वीक, भोजन यानी उनको उनकी जो हंगर थी, भूख थी, उनको और भी कमजोर बना दिया। सो और इस प्रकार मेनी ऑफ देम फेल ऑन द वे, बहुत से लोग रास्ते में गिर गए, एंड डाइड ऑफ हंगर, भूख से मर गए, एंड वीकनेस और कमजोरी से, भूख और कमजोरी से बहुत लोग व्याकुल होकर के वहीं सड़कों के किनारे गिर कर मर गए। स्टूडेंट हम लोगों ने देखा इसमें से, फिलहाल अभी तक हम लोगों ने तीन इंस्पिरेशन देखा, इसे आप क्रमबद्ध तरीके से, स्टोरी तरीके से आप इसे कई बार देख करके समझ करके आसानी से इसके विषय में समझ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से और आगे क्वेश्चन करना है, फिर और कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा। थैंक यू।